साथियों, हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए न भेजता हो। यहां की वीर माताएं वीर संतानों को जन्म देती है। यहां की वीर माताओं के लिए पूरे हिंदुस्तान को नाज है। और इसलिए हरियाणा से मैं आज कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी, अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई, लेकिन चलो वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, अपने ढकोसला पत्र में लिखा है, अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर समेत जो हिंसा वाले इलाके हैं वहां तैनात सैनिकों से उनको जो विशेष अधिकार, एक सुरक्षा कवच मिला है फौजियों को, कांग्रेस ने कहा है आकर के उसको छीन लिया जाएगा। यानी जो पत्थरबाज है, जो आतंकवाद के समर्थक हैं, उनको खुली छूट देने का कांग्रेस सार्वजनिक रूप से बोल रही है। साथियों, भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज जताने वाली कांग्रेस अब देशद्रोह का कानून हटाने का भी वादा कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को, भारत को गाली देने वालों को, तिरंगे का अपमान करने वालों, नक्सलवादियों के समर्थकों को खुली छूट मिले। मैं जरा हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस धरती में आए दिन जवान मातृभूमि के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग जिस धरती पर पैदा होते हैं, मैं हरियाणा से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के ये वादे ये आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? भाइयों और बहनों, हमारे घरों के जो बच्चे फौज में जाते हैं, जो अर्धसैनिक बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको कांग्रेस और उसके साथी किस नजर से देखते हैं? जब आप सुनोगे तो आपका गुस्सा सातवां आसमान पर जाएगा। मैं बताता हूं, इतना गुस्सा आएगा, क्योंकि ये ऐसी भाषा बोलते हैं। इतना नहीं, वो इन चीजों को मानते हैं। मैं उनके एक मुख्यमंत्री का बयान बताता हूं आपको। कर्नाटक में कांग्रेस एक सरकार चलाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री के पिताजी कुछ समय के लिए देश के प्रधानमंत्री भी थे, उस मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, बहुत गंभीर बयान है। इस एक बयान के कारण आने वाले 100 साल तक देश कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर सकती है, ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन युवकों को, सुनिए जरा, जिन युवकों को दो वक्त खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है,
जो भूखे होते हैं वो पेट भरने के लिए सेना में जाते हैं। भाइयों बहनों, ये सुनकर के आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? आप मुझे बताइए, माताएं बहनें भाइयों बहनों नौजवानों बताइए, क्या मेरे हरियाणा का नौजवान, मेरे पंजाब का वीर पुत्र, मेरे हिमाचल के नौजवान सेना में इसलिए जाते हैं कि उनको खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं मिलती? अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों, आप जिस सरकार को चलाते हो वहां का मुख्यमंत्री इस प्रकार से मेरे देश के वीरों का अपमान करता है। जो दुश्मन से देश की रक्षा करते हैं, जो मां भारती के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, उन वीरों के बारे में कांग्रेस और उसके साथी इस प्रकार से सोचें, इससे बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी हमारे देश के सेनाध्यक्ष को पब्लिकली कहते हैं ये तो गली का गुंडा, हमारे वायुसेना अध्यक्ष उनको कहते हैं कि झूठा है। ऐसा बोलकर कांग्रेस के नेता अपनी सच्चाई, भाइयों बहनों, वो बेनकाब हो चुके हैं कि किस प्रकार के लोग हैं।